लोकसभा चुनाव के हलचल के बीच सियासत के गढ़ इंदौर में नोटा को लेकर ऑटो पॉलिटिक्स चलती आ रही है, जहां कांग्रेस की ओर से ऑटो पर नोटा समर्थित पोस्टर चिपकाने के बाद अब बीजेपी समर्थित ऑटो रिक्शा चालक संघ की ओर से ऑटो रिक्शाओं पर मतदान जागरूकता संबंधित स्लोगन लिखकर पोस्टर चिपकाए गए हैं। इतना ही नहीं, भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ की ओर से ऑटो रिक्शाओं पर मतदान जागरूकता का पोस्टर चिपकाने के साथ ही 13 मई को मतदान करने की शपथ भी ऑटो रिक्शा चालकों को दिलवाई गई है। वहीं अब शहर में लगातार तेज हो रही ऑटो रिक्शा पॉलिटिक्स के चलते सियासत का अलग रंग देखने को मिल रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में शुरू हुई ऑटो रिक्शा पॉलिटिक्स, भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ ने लगाए पोस्टर। पोस्टर के जरिए लोगों से की मतदान करने की अपील। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में नोटा पॉलिटिक्स रफ्तार पकड़ रही है, जहां कांग्रेस की ओर से शहर भर के ऑटो रिक्शा पर नोटा के समर्थन में चिपकाए गए पोस्टर्स के जवाब में बीजेपी समर्थित भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ की ओर से ऑटो रिक्शा चालकों को मतदान महापर्व में हिस्सा लेने की शपथ दिलवाई गई। साथ ही 5000 से ज्यादा ऑटो रिक्शाओं पर मतदान जागरूकता के पोस्टर चिपकाए गए। आदेश हो गया, आठ दस गाड़ियां करनी है। इधर देखो, इसको निकालो यार, ये जो चीज गलत है वो भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि हजारों की संख्या में रिक्शाओं पर मतदान की जागरूकता के लिए बैनर पोस्टर चिपकाए गए हैं। मतदान करना सभी का अधिकार है, अपने प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए मतदान जरूर करें, बेहतर राष्ट्रहित में कार्य करने वाली सरकार बनाने के लिए मतदान करें। और जो नोटा को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, नोटा भले ही हमें एक अधिकार के रूप में मिला हो, लेकिन हमें अपना मतदान जरूर करना चाहिए। वहीं नोटा को लेकर लगाए गए रिक्शाओं पर बैनर को भी उनके द्वारा रिक्शा चालकों से चर्चा कर हटाए गए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी द्वारा भ्रमित जानकारी कल फैलाई गई, हमारे ऑटो चालकों को जानकारी नहीं और उनके पीछे से उनके जबरदस्ती स्टिकर लगा दिए नोटा के, जबकि ऑटो चालक को तो ये मालूम ही नहीं है कि वो नोटा का स्टिकर क्यों चिपकाया है। तो आज जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिली, हमारी यूनियन है भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ, जो कि रजिस्टर्ड यूनियन है, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर 7078 है, आज इंदौर की सबसे बड़ी यूनियन है, 25,000 से ज़्यादा ऑटो चालक हमसे जुड़े हैं। तो आज हमारी यूनियन द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हम इंदौर शहर में 5,000 स्टिकर नोट चलाने वाले अब चला रहे हैं नोटा, राष्ट्रीय हित में मतदान करें। हम सभी को, समाज को भी और प्रत्येक भारतीय नागरिक को निवेदन कर रहे हैं कि आप लोगों को मतदान करना अति आवश्यक है, ये देश हित के लिए है, समाज हित के लिए और राष्ट्र हित के। देखिए, कांग्रेस ने 70 साल तक लोगों को लूटा, अब बटन दबवा रहे हैं नोटा, तो कांग्रेस का हमेशा सा कार्य रहा है भ्रमित करना। और आज जिस प्रकार से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, आज हम मजदूर लोगों के लिए भी सोचती है, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक व्यक्ति की सोचती है, तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लिए तत्पर भी खड़े हैं। और हमारा समाज से भी निवेदन है, जनता से भी निवेदन है, और हमारे ऑटो चालक भाई सभी लोग अपने परिवार सहित, हमारा सबसे ये निवेदन है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। मतदान करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर में ऑटो रिक्शा पॉलिटिक्स अब रफ्तार पकड़ रही है, जहां लगातार ऑटो रिक्शाओं पर पोस्टर वॉर की स्थिति देखने मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी न्यूज़, इंदौर।